सर मेरे आएगी मालूम कैसे आपसे मेरा लड़का कम से कम मिल जाना चाहिए सर, अब यही चाल है सर, नहीं तो पागल होकर मर जाएगा सर, ऐसा नहीं देता है मेरा परिवार को ऐसा हाल हुआ है सर, बहुत बुरा हाल है सर, ये मेरा कोई बस एक ही बालक है मेरे पास सर, और कोई दूसरा है नहीं सर, हमारे कोई बालक एक लड़की है एक लड़का, उसका दिमाग हालांकि ठीक नहीं है सर, वो तो 4-5 साल का है, वो बोल नहीं सकता, थोड़ा गोंगा पता है, ये मेरा बेटा साफ सुथरा है, मैं इसको बुलाया था कि आप मेरा मती मारा गया सर, कोई पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IN24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीर आप देख पा रहे हैं एक 14 साल के बच्चे की, नाम है सचिन कुमार, और किस तरीके से बिहार का रहने वाला ये परिवार है जिन्होंने इस समय तस्वीर पकड़ी हुई आप देख सकते हैं। और बता दें तो ये बच्चा जो है इसे बिहार से करनाल की ओर बता दें तो एक व्यक्ति के साथ जो है परिवार ने बुलाया था कि वो व्यक्ति करनाल ले आएंगे, लेकिन ऐसे में बच्चा जो है बता दें तो बाइक पर लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में बच्चा लापता हो जाता है। कैसे होता है ये पूरी जानकारी हम पिता से लेने का प्रयास करेंगे, पिता काफी ज्यादा परेशान है और बच्चे को ढूंढने का प्रयास करें, बच्चा कहीं पर भी देखें तो आप जो नंबर नीचे की ओर देख रहे हैं इन सभी नंबर पर आप संपर्क कर आप जानकारी जो है वो परिवार को दे सकते हैं। यहाँ पर पिता है, उनसे बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम मनीष कुमार है। मनीष कुमार नाम है। हाँ सर। तो ये बच्चा कैसे लापता हो गया ये? सर ये बच्चा बिहार से इसको मंगाए थे यहाँ घूमने फिरने के लिए। किसके साथ आ रहा था? ये मेरे जमाई के साथ आया है सर। अच्छा, भाई के जमाई है, मेरा भी जमाई होगा। ठीक है। तो ये सर ये आया पानीपत के पास, सोनीपत के पास आया, एक नारी ठेका है। अच्छा। हरपुर गाँव है, उसके पास से थोड़ा दूर पड़ता है नारी ठेका। अच्छा। ये रात को 8 बजे इसको लेकर गया था, 3 बंदे साथ में था, एक मुनीम है, वो मुनीम ने घर जा रहा था, इनको बोला दे भाई हमको वहाँ स्टेशन तक छोड़ दे। तो उस मुनीम ने इसको मना किया, भाई ये बच्चे यहाँ छोड़ दे, तू तुमको चलना है तो अकेले चल, नहीं होगा तो तू भी बोल, मैं दूसरे बंदे को पकड़ता है। अच्छा। इसने बोला नहीं मैं चला जाऊंगा, मैं छोड़ कर आ जाऊंगा, इसने लेकर इसको गया वहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद जब वो नारी ठेका के पास पहुंचा तो आगे सर बॉर्डर पड़ता है। अच्छा। तो इसने मुनीम बोला ये बात भाई यहाँ पे वो आगे बॉर्डर है, बॉर्डर पे वहाँ पे पुलिस रहता है, 3 बंदे रहेंगे, चलान काट देगा, तो इसको यहाँ खड़ा कर दे, यहाँ पे 5-7 मिनट आपको टाइम लगे, आप वापस आ जाओगे। तो बच्चे को वही छोड़ दिया? हाँ, बच्चे को वही ठेके के पास राउंड साइड छोड़ दिया, ठेका भी वही अपना है, उस मालक के उसी मालक का ठेका है, लेकिन मुनीम भी ये बात दिमाग में नहीं लगाया जैसे ऐसा हो जाएगा, उसने छोड़ के वहां से उसके चला गया। अब उसने गया, अब ये भगवान जाने ये कुटुम कितना देर इसके पास आया न आया, मुनीम जो बताया है ये खुद ये राह भूल गया वहां पे। अच्छा। मुनीम के पास इसने 20-25 मिनट के बाद कॉल किया, इसने आदमी मेरा दामाद जो है, आज भाई साहब हमने जो वहाँ पे लड़का को उतारे थे वहाँ पे कौन सा जगह जाना था। अच्छा। तो उसने वो बताया जो भाई किसी वहाँ पे पड़ोसी से बात करवा, फिर उसने उसको बात करवाया, फिर उस आदमी ने इसको आगे उस ठेका पे छोड़ा। अब ये नहीं पता है जो वो कितना देर के बाद वो लड़का के पास पास आया, घूम के बाइक लेकर इतने देर में लड़का गायब हो गया सर। अच्छा, यही बच्चा मिला नहीं वहाँ? मिला नहीं, वो पहुंचा नहीं, वो बहुत पहुंचा, लगभग आधा 1.5 घंटे के बाद वहाँ पहुंचा। देरी से पहुंचा। इसके कारण ये जब तक वो आया तब तक ये बच्चा वहाँ से गायब हो गया। अब ये नहीं पता है सर जी जो बच्चा के कोई उठा के ले गया, हो सकता है नया बंदा था, उसको कुछ 2 तारीख का या 3 तारीख को रात को बात है, 2 तारीख को 10-12 बजे वहाँ पे पहुंचा, उसने 3 तारीख को रात को वहाँ के ले गया, नहीं तो उसको खुद पता वहाँ जगह के, नहीं उसको पता। मुनीम उसको मना किया 2-3 बार जिसको बालक के छोड़ दे, तुमको चलना अकेले चल, लेकिन कहा इसको लेके जा रहे हम लेकर आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं चला कि अब क्या हुआ नहीं हुआ, भगवान जाने इसका तो कोई कह नहीं सकता है, इसमें कोई ना राज है। जो जिस लोकेशन पे बच्चा लापता हुआ था वो लोकेशन क्या है, एक बार बताएं कहाँ पर वो उन्होंने उतारा था उसे? ये लोकेशन वही है, नारी ठेका है, वहाँ पे नारी ठेका नाम से जाना जाता है, शहर के पास। ये सर वहाँ पे बड़ोदा थाना बोलता है, बड़ोदा थाना है, उसके आसपास ये जगह है, सोनीपत से सर बहुत दूर, काफी आगे है। अच्छा। सोनीपत से काफी दूर एक मरखड्डा बस अड्डा है, उससे भी वहाँ से 2 ऑटो लेने के बाद, फिर वहां से जाने के बाद फिर बाइक से कम तो मेरे को 15-20 मिनट इसके ठिकाना पे जाने को टाइम लगता है सर, इतना जगह लगता है सर, इतना दूर है ये जगह भी, जिस पे जहां पे है आदमी वहां पे बिल्कुल सुनसान जगह है सर, वहां पे चारों बगल चौर चौर है, एक बस एक ठेका सा है और एक
वो गार्डर जो बनता है स्टील का, वो गार्डर का प्लांट एक दो है, लोहा लकड़ का प्लांट है और कुछ नहीं है सर। चारों साइड सिर्फ चौर चौर है और बगल में रोड रोड है। एक एक किलोमीटर पे सर इस वहाँ पे ठेका है, हर जगह पे ठेका ठेका सिर्फ है। और मान लो जहाँ पे से गुम हुआ है वहाँ पे दोनों साइड दुकान है और मान लो होटल है, कैमरा लगा हुआ सारे कुछ है। लेकिन उस दिन पुलिस वाले भी मिले लेकर गया, लेकिन पुलिस वाले ने उसको कहा कैमरे वाले को, लेकिन कैमरे वाले बोला भाई साहब जो यहाँ से ये कैमरा कैच नहीं करता है, तो मेरे कैमरा यहाँ से इतना दूर कैच कर सकता है। पुलिस वाले दो तीन दुकान में कैच किया, उसने दो तीन बंदे को रिपोर्ट भी बनाया वहाँ पे, अता पता भी पूछा, उसका फोन नंबर भी लिया। लेकिन हमने दो दिन पुलिस चौकी गए, लेकिन पुलिस वाले हमारे इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं दिया। उसने जो चीज मंगाया फोटो मंगाया, कौन सी चौकी में दी थी जानकारी? ये सर बड़ौदा चौकी बोलता है सर, बड़ौदा चौकी। हाँ बड़ौदा चौकी है, हम वह तो हम उसको अभी फोटो उसको फोन नंबर भी उस पर है, हम अभी तुरंत मंगाते हैं बड़ा मोबाइल। करनाली हो? हम सर रहते हैं करनाली में सब दिन, हम यहाँ से कम से कम 20 साल से यहाँ रहते हैं। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार हमारा यहाँ सर कोई रहता है, एक हमारा भाई की लड़की रहता है। करते हो बस यहाँ? हाँ हम लोग मान लो जैसे राजमिल हुआ, जैसे मंडी हुआ, जैसे दिहारी हुआ, ये काम हम लोग सब। आपको लग रहा है कि आपके जो जीजा आप बता रहे हैं, जो उनको जवाई जो है, उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था बच्चे? हाँ सर, ये उनका यही गलती यही है सर, जो उसने उसको मुन्नी भी मना किया कि भाई इसको मत ले चल, अगर तुमको भी नहीं जाना है। खुद की गलती हुई है? हाँ उनको खुद गलती है, वो बोल रहा है सर मुन्नी ने उसको, मुन्नी की इसमें कोई बात का गलती नहीं सर, इसने वो दो तीन बार इससे रिक्वेस्ट भी किया मुन्नी कि भाई अगर तेरे बस के नहीं है तो तू भी मत जा, मैं किसी और बंदे को पकड़ लेते हैं, मैं लेके जाऊंगा, तू मत जा मेरे साथ। लेकिन ये बोला नहीं मैं आपको छोड़ आऊंगा, फिर उसने बोला छोटू की है छोड़ दे, छोटू को मत लेके चल। ये फिर ने बोला कोई बात नहीं, हम दोनों उधर वापस आ जाएंगे। फिर इसने नहीं मैं लेके गया वहाँ पे, गाने के बाद मुन्नी ने उसको बोला भाई आगे चलान काट देगा, इसलिए इसको यहाँ उतार दे, यहाँ से 5-7 मिनट का रास्ता है, मेरे छोड़ के तुम आ जाओगे। इसने में अब भगवान जाने ये मुन्नी के पास इसने 20-25 मिनट के बाद कॉल किया, भाई साहब मैं रास्ता भटक गया हूँ, जो बच्चा के वहाँ छोड़ के आया था मैं। फिर उसने बोला कोई वहाँ पे है उससे बात करवाओ, उससे बात करवाया इसने। फिर अब उसको आदमी भगवान ने अब कितना देर के बाद उसको आदमी जगह पे पहुंचाया। आप देख सकते हैं बच्चे को, आप ध्यान से देख लीजिए, अगर बच्चा कहीं पर भी आप देखें, और पूरा जो एड्रेस है वो एक बार जरूर हम परिवार से हम बात करेंगे, पूरा एक बार जगह आपको भी मालूम है पूरी जगह किस जगह पर है, वो जगह एक बार बता दीजिए लोकेशन, कोई भी देखता है तो। वो नाड़ी जगह है जी। अच्छा, वहाँ से सोनीपत के पास? हाँ सोनीपत के आस पास में है, नाड़ी ठीका है, उस जगह से बच्चा लापता हो गया है 8 बजे रात को। एक कहानी, तीन तारीख को? हाँ तीन तारीख को। अभी तक कुछ पता नहीं लगा? अभी तक कुछ पता नहीं लगा, पुलिस चौकी गया वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं। दिमागी रूप से ठीक है बच्चा? बिल्कुल दिमागी रूप से हाँ, समझदार है, पढ़ा लिखा भी है, पढ़ा लिखा भी है, नाम पता है सबके बच्चे को, आपका मम्मी का सब। हाँ सर उसको सब फोन नंबर सब भी उसको मालूम है सर। लेकिन यही बात है जिनको ये सर ये चीज नहीं पता लग रहा है, जो उसको कोई जिम्मेदार उठा के ले गया, कौन ले गया, कहाँ ले गया, किस हाल में मेरा लड़का है सर, मेरा एक ही मालूम कैसे आपसे मेरा लड़का कम से कम मिल जाना चाहिए सर, अब यही चाल है सर, नहीं तो पागल होकर मर जाएगा सर, ऐसा नहीं देता है मेरा परिवार को, ऐसा हाल हुआ है सर, बहुत बुरा हाल है सर, ये मेरा कोई बस एक ही बालक है मेरे पास सर, और कोई दूसरा है नहीं सर, हमारे कोई बालक एक लड़की है, एक लड़का, उसका दिमाग हालात ठीक नहीं है सर, वो तो 4-5 साल का है, वो बोल नहीं सकता, थोड़ा गोंगा पता है, ये मेरा बेटा साफ सुथरा है, मैं इसको बुलाया था क्या, मेरा मती मारा गया सर कोई पता नहीं, लेकिन गलती इसने किया, उसको मैं बोला भाई पिछू आया मेरे हाथ को, आज को लड़का पहुंचा दे, उसने बोला मैं पिताजी कल लेके आ रहा हूँ, मैं तो रात में ये अच्छा हो गया सर, मैं क्या करूँ नहीं करूँ कुछ समझ आ रहा सर, वहाँ पूरे चौकी गए वहाँ जाते हैं, बार बार वही पुलिस वाले उसको टॉर्चर करता है, यही उसको बोलता है सर कि बहन जो तू खोया, तू कहाँ गया, क्या किया नहीं किया, बहन जो तू ला देगा, तू देगा पुराना ठिकाना बोलता है, उसने सर फोटो मंगाया, उसके पास फोटो भी दिया, वो चौकी या थाना है या नहीं कुछ पुलिस ने अभी तक उसने सर कुछ नहीं किया, उस वहाँ जाते हैं सिर्फ बस उसी को टॉर्चर करता, जो मेरा जन्म रहता है उसी को मतलब पर मसाज को बोलता है सर, परिवार कितना ज्यादा परेशान है। अभी फिलहाल बता रहे हैं कि प्रशासन की ओर से भी कोई खास सहयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है, और यहाँ पर
आप मदद कीजिए इस परिवार की। अगर बच्चे को आप कहीं पर भी देखें तो आप जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, 8398845691, इसके अलावा 9334518879, ये आप ही के नंबर है सारे। हाँ, सर, सारे आपके नंबर है। हाँ, इन्हीं पे जानकारी दे दे किसी को बच्चा। हाँ, दिखे तो किसी नंबर पे सर संपर्क करें, चार नंबर दे रखा है, ये देख सकते हैं सारे नंबर परिवार ने दिए हुए हैं। और सचिन को ढूंढने में मदद करें, 14 साल का बच्चा है, रंग सांवला है, सामने आप देख रहे हैं। कपड़े क्या डाले हुए थे बताया उन्होंने कुछ उस समय, कपड़े का रंग रूंग बताया था उन्होंने कुछ के नहीं है। नहीं, ये सर ने बताया, लेकिन शर्ट डाला होगा सर। तो यहाँ पर आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। आप देख सकते हैं दिहाड़ी मजदूरी करने वाला गरीब परिवार है और किस तरीके से इस समय करनाल का ही जो देख सकते हैं, ये पिता करनाल में जो है पहुंचे हुए हैं यहाँ पर दिहाड़ी करने के लिए और बेटे को यहाँ पर बुलाया अपने रिश्तेदार के जरिए। तो रिश्तेदार जो है उसने एक बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं उस गलती का खमियाजा परिवार यहाँ पर भुगतता नजर आ रहा है। इसे निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और कभी भी आप बच्चे को, छोटे बच्चे को साथ में रखते हैं तो जिम्मेदारी ये समझिए कि आपके लिए सबसे जरूरी काम उस बच्चे की सुरक्षा करना है, उससे बड़ा कोई जरूरी काम नहीं है। तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।